हाय, दिस इज़ पूनम शर्मा एंड वेलकम टू सद्भावना न्यूज़। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 1,03,558 नए मामले सामने आने के बाद कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 1,25,89,068 हो गई है। 478 नई मौतों के बाद कुल मौतों की संख्या 1,65,101 हो गई है। देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 7,41,830 है और डिस्चार्ज हुए मामलों की कुल संख्या 1,16,82,136 है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश में दिन पर दिन एक्टिव केस बढ़ रहे हैं, जिनकी संख्या अब 7,41,830 के पार हो गई है। कल कोरोना से 52,847 लोग ठीक भी हुए हैं, जिसके बाद देश में ठीक होने वाले लोगों की संख्या 1,16,82,000 से ज़्यादा हो गई है। मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना वैक्सीन की अब तक 7,01,05,163 डोज दी जा चुकी हैं। कुल वैक्सीन में 60.19% वैक्सीन 8 राज्यों में लगे हैं। बता दें कि पीएम मोदी ने रविवार को कहा था कि कोविड-19 के संक्रमण के इस दौर से निपटने के लिए राज्यों को कड़े और व्यापक कदम उठाने होंगे। संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए उन्होंने 5 स्तरीय रणनीति, टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, कोविड व्यवहार और टीकाकरण को गंभीरता और प्रतिबद्धता से लागू करने का सुझाव दिया। बैठक में महाराष्ट्र, पंजाब और छत्तीसगढ़ के हालात पर चिंता जताई है। पावर्ड बाय आर्थ्रोस क्लिनिक, अ डेडिकेटेड सेंटर फॉर आर्थ्रोस्कोपी एंड स्पोर्ट्स इंजरीज।